यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है उसका मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स चेंज हुआ. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के जो फॉर्मूला है उसको मेट्रिक बोलते हैं. वो मेट्रिक ऐसा दिखता है यूनिवर्स के लिए. This is like a normal matrix. First you look, ये वाला part को भूल जाओ, ये special relativity की बात है. Right? So distance between any two points in space is given by this formula. And this is just the ये क्या है? Spherical polar coordinate में ये d square plus d y square plus dz. Right? आज का विषय इसी को. Okay? This is just written in spherical polar coordinate. क्यों? क्योंकि यूनिवर्स है होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक. सो हम एक्स वाई जेड ज्यादा ना सोचते तो सिर्फ कितना दूर चीज है उनको देखना चाहिए. सो आर भी कम क्योंकि थीटा और फाई उठ जाएगा. ये ए क्या है? ये टाइम डिपेंडेंट पॉइंट. ये ए चेंज होता है टाइम के साथ, बढ़ता है घटता है पता नहीं. एक्सपांडिंग यूनिवर्स मतलब बढ़ता है. तो हमारा यूनिवर्स क्या बोलता है? ये ए बढ़ता है. तो अगर मैं कोई भी दो पॉइंट और बेड को देखूँ पॉइंट डिस्टेंस पड़ता है, तो कोई भी दो गैलेक्सी अगर रख दो, ग्रेविटी वेविटी कुछ नहीं. सपोज ग्रेविटी स्विच है जिसको ऑफ कर दूँ तो देयर इज नो ग्रेविटी, देन स्टिल नो ग्रेविटी बिटवीन दो स्विच, देन स्टिल दे विल गो फार आउट बिकॉज वो जिस स्पेस में है उस स्पेस को कोई खींच. ओके सर, इवन दिस मैट्रिक हम यूज करेंगे आइंस्टाइन इक्वेशन. आइंस्टाइन इक्वेशन बोलता है, आइंस्टाइन इक्वेशन हमको बताएगा कि अगर एक पर्टिकुलर टाइप का मैटर है यूनिवर्स में तो किस टाइप का डिस्टेंस का फॉर्मूला है. ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हूँ ये मैं गेस किया हूँ सिमेट्रिक, ये यूनिवर्स होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक, वहां से गेस किया. जहां से मुझे ए कैसा है पता नहीं, वो आइंस्टाइन इक्वेशन मुझे दे देगा. राइट, सपोज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, तो मैं गेस कर सकता हूँ सॉल्यूशन ए साइन ओमेगा. लेकिन ओमेगा क्या होगा वो डिपेंड करेगा इक्वेशन पे, रूट ओवर ऑफ के बाय एम. सिमिलरली आइंस्टाइन के इक्वेशन ऑफ ए का वैल्यू करेगा, इसको लूंगा मैं आइंस्टाइन के इक्वेशन. राइट, ये जो इक्वेशन मिले, ये रो और पी क्या है? रो है कोई भी जो एनर्जी है उसका एनर्जी डेंसिटी, कोई भी फॉर्म में मैटर के फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म डार्क मैटर डार्क एनर्जी. और ये पी क्या है? प्रेशर, कॉरस्पोंडिंग प्रेशर टू सब्सटेंस. ठीक है, अगर प्रेशर गिवन है मतलब गिवन एक मैटर है तो हमको एक डिस्टेंस फॉर्मूला मिलेगा जो हमको ऑलमोस्ट पता है. एक्सेप्ट दिस कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम आइंस्टाइन की इक्वेशन से निकाले, इक्वेशन को सॉल्व कर. राइट, और एनर्जी कंजर्वेशन, दुनिया में एनर्जी कंजर्वेशन किस टाइप का लुक है ये कितने लोग जानते हैं? आप लोग जानते हो कंटिन्यूटी इक्वेशन. ओके, सो एनर्जी का कंटिन्यूटी इक्वेशन और ग्रेविटी की प्रेजेंस पे लिखोगे तो ये आएगा. जहाँ पे ओमेगा क्या होता है नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में, ओमेगा होता है उस मीडियम की साउंड स्पीड ऑफ साउंड. राइट, और रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में इट इज जस्ट पैरेलल. ओके, गिवन दिस क्या होता है कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यूनिवर्स के लिए, हमारे यूनिवर्स में क्या क्या है, ये रो है जिस टाइप के मैटर है उसका डेंसिटी. हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सी है,
राइट, एंड गैलेक्सीज आर प्रेशरलेस मैटर. प्रेशरलेस मीन्स गैलेक्सीज अपने आप से कोलाइड नहीं करते, फुल प्रेशर में. गैलेक्सीज के लिए ओमेगा जीरो. वो लिख देता हूँ और एक बार, ओमेगा इक्वल टू जीरो फॉर गैलेक्सीज, ओमेगा इक्वल टू वन बाई थ्री फॉर लाइट, ओमेगा इक्वल टू माइनस वन फॉर डार्क एनर्जी. ओके, ये सब चीज मैंने पूछ किया तो मुझे क्या मिला कि हमारे यूनिवर्स कैसे इवॉल्व किया, यूनिवर्स का साइज मुझे ये आंसर. अगर मैं पूछ करूंगा कि गैलेक्सी और डार्क मैटर यूनिवर्स में 30% है और 70% डार्क एनर्जी है जो ऑब्जर्वेशन से मिलता है, तो मेरा यूनिवर्स कैसे दिखता है? दिस इज साइज ऑफ यूनिवर्स एज अ कांस्टेंट. ओके, दिस वाज द ओनली अननोन इन आवर थ्योरी, राइट? सो आइंस्टीन के इक्वेशन का जो काम था वो हो गया. आइंस्टीन के इक्वेशन का काम था कि वी जस्ट हैव टू फाइंड ए. ओके, आई एम गोइंग थ्रू दिस वेरी वेरी क्विकली बिकॉज जस्ट यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे आई हैव टॉक्ड फॉर ऑल ऑफ यू. Now once, see, initially universe started expanding, right? And then it slowed down. Expansion slowed down, slowed down, slowed down, slowed down. It's like if you throw something, it will go slow and slow because gravity is pulling, right? Slow, 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 and then it should stop and come back. But it turns out after some time, there is dark energy which is taking over. And dark energy is like impulsive gravity. Why? I will explain later. Today's talk is not concerned with that. Okay, so it repels. So universe expands faster. Okay, so universe expands faster. Actually, in today's talk, I will explain why dark energy repels. So this is the current picture. Say this is the picture of universe by 1980s. Which is wrong actually because this part we didn't do. So it doesn't matter. We are now going to talk about sphere in four dimensions, like just like a two dimensional surface. A two dimensional surface can be just like a plain sheet of paper, okay? Or it can be like some curved sheet of paper, right? Or it can be a sphere, surface of sphere. Two dimensional. Similarly, our three dimensional universe can have any kind of shape. So to define this kind of geometry, we have defined a parameter which is called curvature parameter. That parameter is called omega, and this parameter minus 1 is given by 1 by a h whole square, and h is the Hubble parameter which is a dot by a. Char paanch ka talk de chuka hu, to main assume kar raha hu aap log kuch kuch log to question kar liye ho. So h is the most important parameter. So this says, if this quantity is zero, then your universe is flat. It's like a grid. We are talking about our actual universe. So our actual universe is just like a grid. Just like a XYZ universe, Euclidean space. If it is zero. If it is not zero, then if it is negative, then universe is negatively curved. If it is positive, then it is positively curved like sphere. It has to be a sphere because universe is homogeneous and isotropic. Universe cannot, suppose universe were a two dimensional, okay, then universe cannot be like this. Surface of a female. Because this is not homogeneous and isotropic. Homogeneous and isotropic means symmetry, translationally and rotationally. Okay. So universe has to be a sphere. If it were two dimensional. Similarly, if it is three dimensional, three dimensional sphere. What about ellipsoid? No, it's not. Okay, you can find some access about it. Okay. Given all this, now I will quickly go to the problem of. So when we find this now from observation, trust me that from observation we can find it. Okay, but what is the curvature? We find this is almost zero. So from observation we find omega minus 1 is equal to 0.002. 0.0. So it's like universe is like almost a flat field, but still a little bit of curvature. So it's like a big sphere, a very big, infinitely big sphere. What is an infinitely big sphere?
straight line. Infinitely big sphere is flat, right? So it's almost an infinitely big sphere in four dimensions. So our three dimensional space is big. Suppose a two dimensional sphere. This is bent in three dimensions. Right. And for seniors, I'm sorry, I'm using MBD because two cylinders. Otherwise, I would talk in terms of differences. I am explaining in terms of MBD because of that. Suppose a two dimensional sphere. How do you know it is bent? You send a light in this direction. Light will go and return back to you, right? Similarly, in our universe, in any direction if you send light, think as if our universe is bent in four dimensions. Okay, as if it is bent in four dimensions, and we are staying. Then if I send a light beam, it will go and turn back. Or another way, if I draw a triangle on the surface of this sphere, two dimensional sphere, if our universe was a two dimensional sphere, then the sum of angles of triangle will be more than 100. That we know, right? If somebody doesn't know, then I'm drawing. See, if I draw this sphere, this triangle, this is 90, this is 90, this is 90. The sum is 270, greater than 100. So by doing this kind of measurement, we know what is the curvature of our universe. Now, given this, so our curvature of our universe depends on 1 by As square. For now, I call 1 by As as 4 moving column horizons. I will go from that side to this side. So they are moving left. Okay. So 1 by A is called co-moving Hubble horizon. Okay. And this is the important quantity for knowing the curvature. Right? Now it turns out 1 by A is proportional to e to the power 1 by 3 for a universe where we have only galaxies. Only dark matter and galaxies. And 1 by A is proportional to T to the power half if you have a universe which has only light, nothing else, only photon. Okay? So this is for only galaxies, this is for only light. So what happens? This quantity increases with time, right? So now this quantity is 0.02. So then earlier it will be even smaller. 0.002. Earlier it will be even smaller, 0.0002. So depending on what early time you go, you will know what is the value of curvature earlier. So it was, as we go earlier and earlier, it was flatter. But how much flat? That is what I am going to, I have shown it, I am just going to write down. So there are different, our universe has history in which different things happen. The earliest history is Big Bang, which we don't know. After that, there was an era called Planck era. Okay? So here I write down all the history of our universe. First, Planck era. As we merge it. मैं जो जो cover करना चाहता था नहीं कर पाऊँ. Planck era तब हुआ था जब universe का age था 10^-19 seconds. Universe पैदा हुआ. Then after 10^-19 seconds, जो चीज हुआ था उसको बोलते हैं प्लैंक एरा. और फिर क्या हुआ था कि उस एरा में यूनिवर्स का एनर्जी इतना था कि सब कुछ ब्लैक होल था. इट वाज लाइक अ ब्लैक होल इन अ लाइट. देन एक सेकंड एरा था ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी. एक ऐसा एरा था जहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तीनों फोर्स एक ही तरीके. There are no difference between all these forces. They are all same. Okay? वो तब था जब यूनिवर्स का एज 10^-16 seconds. Right? फिर थर्ड एक इम्पोर्टेंट टाइम है जब क्या हुआ कि सारे फोर्स अलग होने लगे धीरे धीरे जैसे यूनिवर्स का एज बढ़ता गया. देन वी हैड इलेक्ट्रिक फोर्स, वी हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स, प्रोटॉन फॉर्मेशन थी स्ट्रॉन्ग फोर्स, राइट? क्वार्क कंबाइन में प्रोटॉन फॉर्मेशन हुआ. देन We had protons and we had electrons, but they were not combined because of the temperature was high. So they were a plasma. Proton bhi, electron bhi, lekin combine hoke atom nahi bane. Okay, sab ghum rahe plasma. Lekin ek din temperature itna cool kiya ki plasma bane. Okay, so wo era hai
रिकॉम्बिनेशन आएगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब उसको रिकॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं, उसका रीजन किसको पता है? कॉम्बिनेशन बोलना चाहिए, कॉम्बिनेशन बोलना चाहिए, लॉज ऑफ फिजिक्स हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन है जब प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर एटम बना, वो हुआ जब यूनिवर्स का एज था 10^4 years। देखो कितना लेट हो गया, यहाँ से यहाँ कितना लेट, देख रहे हो? ओके 10^5। इससे पहले एक एरा था, तो पहले क्या होता है, यूनिवर्स से पहले पैदा हुआ, पहले यूनिवर्स में सिर्फ एनर्जी थी, उसके बाद वो सारे एनर्जी लाइट में कन्वर्ट, क्या हो गया, सारे एनर्जी लाइट में कन्वर्ट, एक्चुअली लाइट में नहीं कन्वर्ट हुआ, लाइट न्यूट्रिनो बहुत सारी चीज में कन्वर्ट हुआ, बस वेरी वेरी स्मॉल मासिव चीज में कन्वर्ट हुआ। तो वो तो पूरा यूनिवर्स में उस टाइप का चीज जा रहा था, लाइट टाइप का, तो पूरा यूनिवर्स का बिहेवियर ऐसा था। सारे एनर्जी किस फॉर्म में था? पहले एनर्जी किस फॉर्म में थी? जस्ट एनर्जी, नो मैटर, लाइक अ फील्ड, फील्ड जस्ट प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉट इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स और नॉट इन इन फॉर्म ऑफ सम। पहले एनर्जी कुछ नए फॉर्म में थे जो पर तुम तीनों में बताऊंगा, फॉर यू पीपल इज सम न्यू सम एक्साइटिंग सम प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके उसके बाद लाइट में कन्वर्ट, तो एरा आया जब यूनिवर्स में सिर्फ लाइट, लेकिन और जब यूनिवर्स में लाइट होता है सिर्फ, तो यूनिवर्स का साइज ऐसे वैरी होता है। ओके और यूनिट और डेंसिटी ऐसे वैरी होता है, ये नहीं लाइट है -4 ये लाइट है। ओके अब जब मैटर होगा यूनिवर्स में, तब ए होगा ऐसे, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, दिख रहा है? तो ये है यूनिवर्स का, तो क्या हो रहा है, देखो डेंसिटी लाइट का डेंसिटी जल्दी जल्दी फॉल कर रहा है, राइट 1/8^4, और मैटर का डेंसिटी स्लोली फॉल कर रहा है, इनको नींद आ रहा है, यस मैटर का डेंसिटी स्लोली फॉल कर रहा है। तो सपोज पहले बहुत सारा लाइट था, लाइट का डेंसिटी बहुत ज्यादा था और मैटर का डेंसिटी बहुत कम, लेकिन लाइट का डेंसिटी फॉल किया जल्दी जल्दी और मैटर का स्लोली फॉल किया, तो एक एरा आएगा जब दोनों का डेंसिटी सेम हो जाए और उसके बाद मैटर का डेंसिटी ज्यादा हो, राइट? तो वो एरा को बोलेंगे मैटर लाइट इक्विवेलेंस एरा। ओके सो मैटर लाइट एरा वो हुआ 10^4 years के बाद बिग बैंग के आफ्टर बिग बैंग। How do we know that they were there? How do we know it? Combination. We will discuss. For now, just trust. Good question. So, we know. इससे पहले और बहुत सारे important era मैंने छोड़ दिए, जो हम जानते हैं, but remember ये हम नहीं जानते, ये हम नहीं जानते, बाकी सब हम perfect हैं। ये गैस ये एरा है, नेक्स्ट 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 एरा है अब यूनिवर्स राइट नाउ। ओके तो राइट नाउ नाउ यूनिवर्स का एज है 13.7 billion years इतना चीज आप लोग ध्यान में रखो, यूनिवर्स के एज है वहां पर है ओमेगा माइनस 1 0 का मतलब पूरा पूरा स्टार्ट फील्ड
क्योंकि तुम उस दिन टॉप में नहीं थे इसलिए लोग में बताया था इसलिए मैं डायरेक्ट हटा दिया अगर मैं बैक कैलकुलेट करूं क्या अगर अभी ये वाला क्वांटिटी इतना है मतलब डेविएशन फ्रॉम फ्लैटनेस राइट अगर ओमेगा वन है तो पूरा फ्लैट डेविएशन ऑफ फ्लैटनेस अभी अगर इतना है तो ये वाले टाइम पे गट स्केल में इतना होगा एक कोई अर्ली फेज में कितना डेविएशन होना चाहिए फ्लैटनेस Remember, deviation from flatness increases as we go back. क्यों? क्योंकि increases as we go forward. Time के साथ increase करता है, तो backward जाएंगे तो decrease करेगा. कितना decrease करेगा? तो उस दिन मैंने calculate किया. जब calculate किया तो ये मिला. इसको इस quantity को मैं बुलाता हूँ deviation ना, delta k. Deviation from curvature. Okay. तो हमको मिला deviation from curvature is equal to is in the range of 10 to the power minus 23 at God scale. मतलब जब यूनिवर्स का एज 10 to the power minus 16 सेकेंड था 10 to the power minus 36 सेकेंड था जब यूनिवर्स का एज उस टाइम में यूनिवर्स का फ्लैटनेस का डेविएशन कितना था 10 to the power minus 23 समझ रहे हो ये नंबर Can you guess this number? If I write this number, how flat it was? The difference from flatness was 10 followed by 23 zeros, which is like almost flat. Right? Can you measure such a big thing? You can actually measure it, right? So, itna flat tha. Aur bhi pehle jao to aur bhi flat. Aur bhi pehle jao to aur bhi flat. So, somehow the universe started as a almost flat. Agar pura flat hota, exact flat, to yahan pe k zero hota. तो हमेशा ओमेगा जीरो है लेकिन एक थोड़ा सा फ्लैटनेस डेविएशन है वो थोड़ा मतलब रियली थोड़ा 0.0000 पता है कितने जीरो इतना बैक जाएगा उतना टाइम ओके प्लैंक एरा वाज बिफोर गट एरा राइट प्लैंक एरा वाज बिफोर गट एरा ओके So Gattera, we mean that all the four forces are unified? All the three forces. Planck era means all the four forces. Oh. So the gravity was... No. In four forces, so which... Like in Gatt 3, right? So which... If I take 10 to the power minus 44 seconds, then the gravity will be changed. No, but in Gatt, you are saying three unified. The. Yeah. Which three? Electromagnetic. Electroweak, yeah. This strong and strong. Yeah. Okay. No, that's what I was asking. I told you. जब मैं बोलता हूँ प्लैंक एनर्जी स्केल वाज 10 टू द पावर 19 गीगा इलेक्ट्रॉन तुमको पता है मैं इस जॉब को उठाने के लिए कितना एनर्जी यूज करता हूँ मोर देन 10 टू द पावर 19 राइट लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये है दुनिया का सबसे हाई स्टेटस इसका क्या मतलब है एक पार्टिकल को इतना एनर्जी मैं 10 टू द पावर ये एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे इसमें राइट मैं 10 टू द पावर 24 पार्टिकल को 10 टू द पावर 19 एनर्जी दे सोचो एक पार्टिकल को 10 टू द पावर 19 एनर्जी देना है तो क्या करना है भाई बड़ा सा एक्सीलरेटर बनाना होगा उसको घुमाना होगा एलएचसी टाइप एलएचसी मैक्सिमम कितना बना सकता है 10 टू द पावर 12 13 या 10 टू द पावर 3 जी भी बना सकता है एलएचसी मैक्सिमम उससे ज्यादा एलएचसी नहीं बना सकता ओके अब ये एनर्जी बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है चौहान बोलवा ये एनर्जी बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है ओके
इन सबका एक एनर्जी स्केल लिख रहा हूँ, अभी मैं यूज कर रहा हूँ इक्वेशन एक्सप्लेन, अभी मजा आएगा। इसका एनर्जी स्केल 10^16 g, ठीक है। इसका एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन, राइट नाउ एनर्जी है 1 मिली इलेक्ट्रॉन, मतलब अभी अगर यूनिवर्स का मैं टोटल एनर्जी लू और उसको यूनिवर्स में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बांट लू तो एक पार्टिकल को इतना ही एनर्जी राइट नाउ, तो यूनिवर्स बहुत लो एनर्जी। ओके, अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ होराइज़न प्रॉब्लम। अमेज मिली नहीं 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 अब चलिए नहीं नहीं बोलिए बोलिए। नो, व्हेन वी वेंट फ्रॉम ML टू रिकॉम्बिनेशन देयर वर एटम्स फॉर्म, एटम्स फॉर्मेशन लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू फ्लैटनेस। This is not total energy of the universe. This is like, okay. What is the temperature? No, when we say that the right now the universe temperature is some 2.73 Kelvin. Yeah, but that corresponds. That corresponds. Each particle has. Ah, each particle. Okay. The free space is that much. मुझे पता है ये वाला चीज़ बहुत सारे लोगों को फील होती है। वास्तव में बात करें, इवन बहुत बहुत सारे लोगों को फील होती है। क्या मतलब? अब मुझे होराइजन समझाना। क्या बोले? फ्री स्पेस। कितना टाइम है टोटल? आई मीन जस्ट लीव इलेक्ट्रॉन एट सम फ्री स्पेस ड्यू टू एवरेज रेडिएशन एंड कैन सम एनर्जी व्हाट इज एनर्जी। आई विल ट्राई टू फिनिश बाय 5:45 तो मुझे होराइजन जल्दी क्या है? जल्दी क्या है? 6 बजे तो नहीं, बट सुनना इतना सर मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगा। इतना इतना टाइम सुनना है बोरिंग है। मेरा तो स्टार्टर भी नहीं आया अभी। राइट नाउ आई विल टॉक अबाउट राइट नाउ आई विल टॉक अबाउट होराइजन प्रॉब्लम। व्हाट इज होराइजन? रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको नींद आ रहा है जग जाए उसको, और जो लोग ज्यादा जानते हैं थोड़ा मुझे माफ करो, मैं ज्यादा एलाबोरेट नहीं बताऊंगा क्योंकि नहीं चाहिए, जितना चाहिए उतना बताऊंगा। होराइजन का मतलब क्या है? यूनिवर्स में इंटरैक्शन। यूनिवर्स क्या था? अर्ली यूनिवर्स बहुत ही हॉट डेंस प्लाज्मा टाइप था, राइट? तो हम इंटरेक्शन हो रहा था डिफरेंट टाइप का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन वो इंटरेक्शन, सब चीज इंटरेक्ट करते। सो सपोज पानी वाटर में एक जगह टैप किया तो एक वेव के फॉर्म में क्या हुआ? दूसरी जगह फेंके, तो जाने के लिए टाइम लगता, राइट? अगर वो जाने से पहले सपोज पानी लिया, दिस इज वाटर, यहाँ पे एक चिड़िया बैठा है, मैंने यहाँ पे टैप किया ताकि उसको डिस्टर्ब कर, तो ये गया जाके पहुंचने में टाइम लगेगा, राइट? लेकिन उससे पहले अगर वो उड़ गया तो क्या मैं उसको अफेक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, राइट? तो यूनिवर्स में इस टाइप का प्रोसेस होते हैं जहां पे बहुत सारी चीज बनते और उड़ जाते, और एक मैक्सिमम डिस्टेंस स्केल होता है जो उनको अफेक्ट कर सकता, डिपेंडिंग ऑन वो कितना टाइम तक रहते हैं, राइट? नहीं करे। सो होराइजन मींस दैट डिस्टेंस। ओके, अब मैं उसको अलग किसी वे में समझा सकता था, बट दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। होराइजन किसी वे क्या है? सपोज मैं यहाँ गिवन सम टाइम थी मैं मैक्सिमम कितना डिस्टेंस के पॉइंट को डिस्टर्ब कर सकता। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कौन से स्पीड में जाता है? स्पीड ऑफ लाइट। सो अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट में जाऊं और गिवन एक टाइम, तो मैं मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जा सकता हूं, दैट इज व्हाई। बट यूनिवर्स में व्हाई देयर इज अ गिवन ऑफ टाइम, मैं कितना भी टाइम ले सकता हूं, लेकिन यूनिवर्स में इस टाइप की प्रोसेस होती है या फिर कुछ चीज आप करते हैं चले जाते, तो मुझे उससे पहले पकड़ना, तो फिर इसलिए मुझे चेक करना है कि मैं उससे उतने दूर पास हूं या दूर। उड़ जाता है मतलब सर्टन थिंग्स फ्रीज आउट और डिकेज और सर्टन थिंग वो आई विल गो। बट अभी ये एनालॉजी सब जो चिड़िया से उड़ गए, मेरा काम है उसको अफेक्ट कर, मुझे उससे पर्टिकुलर रेडियस के अंदर रहना है, तब जाके मैं कर सकता हूँ क्योंकि एक स्मॉल टाइम डिपेंड, राइट?
that is called horizon. Okay. And for universe, horizon is given by 1 by x. If you calculate, it comes 1 by x. Now, jo log zyada jante hain, please mark. Actually, horizon 1 by x is something else. But the kind of problem we are talking about, horizon depends on 1 by x. Why? Different processes are happening. Chidiya Ujjana was a process. Okay. And so those processes have different rates. The rate at which process is happening. Like the rate at which one and particle and one antiparticle are colliding to form photons. That is the rate. Or here H, this is also a rate. Yeh hai us rate jisme universe expand kar. Universe expand. अगर यूनिवर्स जल्दी एक्सपांड कर रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में भी मीट नहीं कर पाते, राइट? तो मतलब चिड़िया उड़ गया, मतलब प्रोसेस नहीं. नाउ वी गॉट द आईडिया. तो मुझे उससे पहले करना है, तो डिपेंड करेगा मैं उसके हॉराइजन के अंदर हूं. इट टर्न्स आउट दैट गिवन द कंडीशन ऑफ यूनिवर्स, प्लाज्मा, हॉट एंड एवरीथिंग, एक्चुअल हॉराइजन है 1 / h. इसका यूनिट h का यूनिट क्या है? h का यूनिट क्या है? h इज a डॉट / t. So h ka unit is 1 by time, right? So what will be 1 by cx will be length? Yes. But yes. Speed of light 1 hai, high energy. Hum log speed of light has 1 use kar. So speed of light is 1. So 1 by h is a length scale. It is called horizon. Now, humko pata hai, trust me, h equals to c by h होगा ना, c square c जो भी होगा, इस इधर रिपोर्ट कोई भी टाइम में हबल पैरामीटर विल बी दिस. ओके, कोई भी टाइम. सो कोई भी टाइम में हमको हॉराइजन पता है. दिस इज टेंपरेचर. इफ वी नो यूनिवर्स टेंपरेचर देन वी नो द हॉराइजन. इन द सेंस वी नो इफ आई डिस्टर्ब नाउ then up to what distance I can affect. Why there is a distance? Because Chidiya Ujjana. Okay. How this formula came is a, again, okay, I can explain. So H is A dot by A, right? H is A dot by A. A depends on time. So H, okay, it's very simple. Look at here. This is h square, right? So h square is proportional to rho, right? Rho is the energy density. Photon ke liye energy density kya hota hai? T to the power 1. So h square proportional to t to the power 2. So h proportional to t square. Aur agar photon nahi hai, if there is no photon, only matter, then this formula changes to t to the power 2 by h. बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा मैं क्या कर रहा हूँ. जो लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़े हैं थोड़ा याद करो, जो लोग नहीं पढ़े अज्यूम कर लो कि हॉराइजन टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड है. जो लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़े हो, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, बोसर फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन फाइंड दैट हमारा एनर्जी डेंसिटी, हाउ एनर्जी डेंसिटी विल बी रिलेटेड टू टेम्परेचर. हाउ? हमको डेंसिटी फंक्शन पता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. How is that m coming? Oh, 1 by root over of 8 pi g is m plus. Ah, okay. Four. And the star? Or I am very, very sorry. This talk will not be clear because I am talking very high level. आप लोगों को overall idea समझ में आना चाहिए. ये मेरा है. तो आप लोगों को overall idea समझ में आएगा अगर आप मेरे बात मानते हैं. जब यूनिवर्स पैदा हुआ तो पूरा एक लिक्विड टाइप है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन, राइट? मैंने बताया पहले, थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन, राइट? उस फ्लक्चुएशन डिस्टर्ब है. सोचो अगर एक मीडियम है, एक रबर है,
एक रबर को मैंने मार दिया तो वो वाइब्रेशन क्या हुआ इट्स प्रोपेगेटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन राइट देन इसी को हम बोलते हैं डिस्टर्बेंस तो वो कितना दूर तक जा सकता है कितना दूर क्योंकि यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है तो कुछ कुछ चीज हो गए जहां तक ये वाइब्रेशन कभी पहुंचेगा ये बात समझ में आ रहा है इसी को चिड़िया उड़ जाना मैं बोलता हूँ अगर यूनिवर्स एक्सपांड नहीं करता और हम इनफ टाइम दे देते तो हर डिस्टर्बेंस कितने भी दूर पहुंच जाता बट यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है अगर रेट ऑफ एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि कभी पहुंचे ही नहीं इसीलिए जो हॉराइजन का साइज है वो रेट ऑफ एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है I told you one by a is horizon, right? This is horizon size, the horizon. इस पे क्यों डिपेंड करता है डिपेंड करता है कि यूनिवर्स का रेट कितना जोर से एक्सपेंड कर रहा है अगर यूनिवर्स का रेट बहुत जोर से एक्सपेंड कर रहा है तो हम बस कुछ ही पॉइंट को आकृत कर सकते हैं क्योंकि बाकी पॉइंट उड़ जाएंगे हमसे तो इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फिजिकल नो कैलकुलस डन तो ये एम जो लिख रहा हूँ एक लाइन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन वो क्या होता है कि एक टाइम था जब यूनिवर्स का एज था 10^5 उस टाइम में क्या हो रहा था अगर कोई एंट्री हुई हमारे इस रूम में तो आप लोग सुनना बंद मत करो आप लोग सुनते रहो 10^5 जब यूनिवर्स का एज था राइट उस टाइम में क्या हो रहा था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग थे और वो लोग प्लाज्मा टाइप के घूम रहे और उस और एक टाइम आया उस टाइम में जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल गया और लाइट निकल उस लाइट हुए पहला लगा तो फर्स्ट लाइट उससे पहले लाइट निकल नहीं पाता क्यों हर जगह प्लाज्मा है हर जगह चार्ज पार्टिकल तो लाइट एक फोटोन है वो एक चार्ज उसको ले जाता था छोड़ता था दूसरा ले जाता लेकिन अभी न्यूट्रल हो गया बिल्कुल एटम बन के तो लाइट नहीं फूट पाई लाइक दिस रूम सी देयर आर एटम्स इन द एयर तो सी लाइट कैन कम राइट तो जो पहला लाइट था उसको सीएमयू को सो अब जब हम सीएमयू लाइट को देखते हैं तो सीएमयू लाइट कब एमिट हुआ था जब यूनिवर्स का एज 10^5 तब एमिट हुआ तब से हमारे पास आ रहा है हर डायरेक्शन राइट उस दिन क्या हुआ उस दिन एटम बन गए और लाइट फ्लो कर गया थोड़ा थोड़ा अफेक्ट वाला रास्ते में जैसे कार गैलेक्सी के पास कर रहा है बट तब से हमारे पास वो लाइट आ रहा है तो हम जब उस लाइट को देखते हैं इस डायरेक्शन में देखें और 180 degree डायरेक्शन में देखें हर डायरेक्शन में उस लाइट सेम दिखता है टेम्परेचर लाइट का सेम है इस रूम में अगर मुझे टेम्परेचर सेम करवाना सपोज मैंने एसी ऑन किया और मैं बोलता हूँ इस पूरा रूम का टेम्परेचर सेम उससे क्या मतलब है मैं इनफ टाइम दूँ सच दैट सारे मॉलिक्यूल मूव करने लगेंगे और पूरा रूम का टेम्परेचर सेम हो जाएगा अदरवाइज अगर टाइम ना दूँ तो जहाँ पे एसी है वहाँ पे ठंडा रहेगा जहाँ पे एसी ना है वहाँ पे गर्म रहेगा यहाँ पे आता है चिड़िया उड़ जाना मतलब टाइम लगेगा तो चिड़िया उड़ जाना यहाँ पे क्या है एटम बन जाना जब यूनिवर्स एटम बन गया तो लाइट को कुछ ही टाइम था जब लाइट स्कैटर हो रहा था वहां से एटम बन गया तो एक नया प्रोसेस हो गया राइट तो जब तक लाइट था तब तक कोलिजन होता था बहुत सारा कोलिजन के वजह से यूनिवर्स का टेम्परेचर एक मेंटेन राइट तो वो सपोज मैं आज कोलिजन करूँ तो वो कितने दूर तक ट्रेवल कर सकता है कोलिजन कोई भी दूर तक ट्रेवल कर सकता है बट मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि एक दिन प्लाज्मा एटम बन जाए दिस इज व्हाट आई मेंट बाय चिड़िया उड़ सो मेरे पास एनफ टाइम नहीं तो जब पूरा दिन ये सारा प्लाज्मा एटम बन गया तब तक कुछ ही रीजन है प्लाज्मा का
जो तो जिसका टेम्परेचर सेम हो जाए, बाकी सब ठंडा रह जाए, एवरीबडी एग्रीज राइट, ऐसा होना चाहिए। तो और हम थ्योरी से निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस होगा कोई भी पॉइंट से, अगर इस पॉइंट का टेम्परेचर सपोज ये टेम्परेचर है 100, सपोज इस पॉइंट का टेम्परेचर 100 है और गिवन एक टाइम के बाद एटम बन गया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक थर्मलाइज हो जाएगा, थर्मलाइज मतलब सब कुछ सेम हो जाएगा, और ये लेंथ है दिस वन बाय एच जो हमको पता है कैलकुलेटेड, व्हेन वी कैलकुलेटेड वी फाइंड वी नो दिस लेंथ, सो वी आर लुकिंग एट दिस लाइट व्हिच इज कमिंग टू अस, सो सपोज वी आर हियर वी आर लुकिंग एट स्लाइट एंड लाइट इज कमिंग टू अस राइट, उससे पहले क्या हुआ था हिस्ट्री में, यहाँ पे प्लाज्मा था राइट, यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता था जैसे ये हीट कर रहे हैं, सपोज कहीं पे एक हीटर है वो हीट कर रहा था, तो वो हीटर बस कुछ ही इलाका में थर्मलाइज हुआ, बाकी सब थर्मलाइज हो नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं मिला, क्यों, क्योंकि प्लाज्मा गायब हो गया, एटम बन गया, ओके तो सिमिलरली यहाँ पे कुछ ही इलाका में, तो ये वही कैलकुलेट दिस दिस ये पर्टिकुलर वैल्यू आता है दिस दिस पैन, सो दिस इज द लेंथ स्केल हियर in sky where temperature should be same and this is the length scale where temperature should be same aur ye jo heater hai is har heater ka temperature alag iska temperature 100 hai to iska ho sakta hai 10 par mein aur har heater ka temperature alag main kya samjha raha hu aur samajh rahe ho main samjha raha hu equation ke random question ko so random to yahan pe heater tha iska temperature 100 tha, यहाँ पे एक हीटर था जिसका टेम्परेचर 10 था, जब तक प्लाज्मा था तब तक ये वाला हीटर कितने को थर्मलाइज किया, तो ये सब 100 हो गया, अब ये सब 10^9 हो गया, इतना हो सकता है इन प्रिंसिपल, लेकिन जब हम स्काई में मेजर करते हैं ऑब्जर्वेशन में तब तक टेम्परेचर सेम, दिस इज कॉल्ड होराइजन प्रॉब्लम। होराइजन मीन्स आप समझ में क्या है प्रॉब्लम, होराइजन मीन्स अगर मैं हीट करूं और एक पर्टिकुलर टाइम दू तो कितना एरिया थर्मलाइज होगा, ओके सो वो एरिया एक फाइनाइट एरिया है, वो एरिया कितना है अगर कैलकुलेट करोगे तो 1.6 डिग्री आएंगे, ओके लेकिन अब जब ये थ्योरी बोलता है कि यहाँ हमको पता है हीटर रैंडम हीटर्स, कुछ कुछ हीटर का टेम्परेचर माइनस में है, कुछ कुछ हीटर का टेम्परेचर 10^9, सो ये पैच का टेम्परेचर 100 होना चाहिए, ये पैच का टेम्परेचर 10^9 होना चाहिए, लेकिन जब हम मेजर करते हैं इस टाइम में सबका पैच का टेम्परेचर सेम, हाउ इज इट पॉसिबल, सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ बिग बैंग, दिस इज कॉल्ड द होराइजन प्रॉब्लम, दिस इज द बिग दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम अनलेस, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, अनलेस ऐसा था ऐसा एक पीरियड, तो क्या क्या हो सकता है, मे बी अगर हम पीछे जाए यूनिवर्स के हिस्ट्री में पीछे जाए, एक ऐसा टाइम था जब ये सारे चीज सारे प्लाज्मा होराइजन के अंदर, तब अगर मैं एक हीटर लगाऊं तो सारे प्लाज्मा थर्मलाइज हो गए, उसके बाद वो बाहर चले गए, देन दिस इज पॉसिबल राइट, आई टेक ऑल दिस प्लाज्मा पुट इट इन अ बॉक्स स्मॉल बॉक्स एंड हीट इट, देन दिस वाज पॉसिबल राइट, तो इसका सॉल्यूशन ऐसे करें, अब मैं फिजिकल पिक्चर से मैथमेटिक्स में जा, ये जो डिस्टेंस है जिसमें थर्मलाइज होगा उसको बोलते हैं होराइजन डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस चेंज होता है, क्यों, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपांड करता है ना, सपोज यूनिवर्स एक्सपांड ना कर तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं को-मूविंग होराइजन, व्हिच इज दिस, क्योंकि मैंने डिवाइड कर दिया यूनिवर्स के एक्सपेंशन का साइज, एक लेंथ इंक्रीज कर रहा है राइट, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, नाउ आई डिवाइड दैट लेंथ, then it's not increasing, right? It's the length, it's the actual length. If it's not the actual length, but agar universe expand nahi karta, then this should have been the length. Now this is the horizon. How to solve it? This horizon length increases with time. Matlab, pehle, chote-chote area the, agar main past mein jaau, to chote-chote area the, jo thermalize. तो इसका टेम्परेचर होगा 10 और एक इसका टेम्परेचर होगा कुछ 10^150
इसका टेम्परेचर होगा 10^-3 ऐसा था, और भी छोटे छोटे और भी छोटे छोटे, तो ये प्रॉब्लम को और भी बढ़ा रहा है हमारा, राइट। हमको क्या चाहिए, अगर हम पास्ट में जाए तो बड़े बड़े रीजन का टेम्परेचर सेम होना ये हमको चाहिए, राइट। तब जाके तो हमको हॉराइजन का साइज डिक्रीज करना है पास्ट, अगर हॉराइजन मतलब पास्ट में जाए तो हॉराइजन का साइज बढ़ना चाहिए। हॉराइजन बढ़ रहा है मतलब द रीजन ओवर व्हिच, द रीजन ओवर व्हिच थिंग्स कैन थर्मलाइज वी वांट इट एज वी गो फास्ट। दिस कैन नॉट हैपन इन मैप इफ यू हैव गैलेक्सी एंड लाइट। व्हाई? इफ यू गो इन फ्यूचर द साइज ऑफ हॉराइजन इंक्रीज, सो इन पास्ट द साइज ऑफ हॉराइजन वाज डिक्रीज, बट वी वांट इन पास्ट द साइज ऑफ हॉराइजन मस्ट इंक्रीज। तो उसके उसके लिए कंडीशन है दिस थिंग शुड डिक्रीज विद टाइम, सो पास्ट में इंक्रीज। ओके, मैं फिजिकली बहुत सारा मैथमेटिक्स हटा दिया बिकॉज ऑफ पास्ट ईयर का है। बाय द वे दिस थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट थिंग्स बट फिजिकल पिक्चर इज अ बिट, सो आई वांट डी बाय डीटी ऑफ 1 बाय एएच इज नेगेटिव। कितने टाइम तक एक्सेलरेट करें सो दैट हमको जो चाहिए वो मिले। हमको ये पूरा रीजंस का आएगा एक छोटा सा बॉक्स में, छोटा सा बॉक्स में पहले था, फिर एक्सेलरेट करके सब अलग हो गए क्योंकि एक बॉक्स से आए हैं इसलिए सब टेम्परेचर से आ सिंपल आ जाए। ओके, तो वो सब डिपेंड करेगा डिटेल्स ऑफ इन्फ्लेशन, आपने इन्फ्लेशन का डिटेल्स पाया। लुक एट दैट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ए डॉट बाय ए डबल डॉट बाय इक्वल्स टू 4πg/3 रो प्लस टी, राइट। लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन h square, remember this is h, okay, so h square equals to usi question mein jao to achieve it. It turns out if you have a scalar field garab hai, if you have a scalar field in the universe then this kind of acceleration would occur. Okay, so what I mean, if I write, I'm sorry for first. If I write S equals to, S is the action, equals to root over of minus G D 4 X. Aritro, what do you mean? Aritro? Then, next? Yes, the gravitational field for us. What? I don't know. Scalar field. Put up it. What do you mean? I don't know. आप एक्शन लेते हो ना, तो लैग्रेंजियन भी बोलिए क्या, तो टी माइनस बी फाइव डॉट हाफ फाइव डॉट स्क्वायर माइनस दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी जनरल रिलेटिविटी कॉल्ड स्पेस। ओके ओके ओके, हां टेल मी यू फाइव, टेल मी यू फाइव, टेल मी यू फाइव, टेल मी यू फाइव, टेल मी यू फाइव हाफ एन हाफ एन हां माइनस बी स्क्वायर शुड आई ये दोनों नीचे लिखा हूं। हां तो जी जी मी यू जी मी यू नॉट ईटा मीन। ओके, मैंने बोला था डेल बी पे और डेल बी ऊपर, मुझे पता है, मैं जान बुझ के नीचे लेकर सो दैट पॉइंट आउट करना चाहता हूं दिस इज नॉट फ्लैट स्पेस माइनस बी ऊपर। इफ माय सिस्टम इज दिस देन राइट नाउ इन 5 मिनट्स नॉट इन 10 मिनट्स आई विल शो यू दिस विल अचीव एक्सीलरेशन एंड इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग एंड वी विल कॉल दिस फाई दिस स्केलर फील्ड एंड इन्फ्लेटर फील्ड। Now this is very very not difficult but very very advanced physics. So if nobody, if anybody doesn't understand, I am really really sorry. आप ये सब मिटा देंगे। I will be all this. Let's see now. For such a field, what will the density? एक field है मतलब energy, right? I told you. That जब मैटर ने आया था एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी था, दिस इज दैट प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसका इस फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी, द एनर्जी डेंसिटी फॉर दिस फील्ड होगी अरे जो बोलो ओके बट व्हाट इज द फाइनल एनर्जी ओके 5 डॉट दिस इज द एनर्जी डेंसिटी एंड इस प्रेशर होगा माइनस। बहुत लोग अभी परेशान है मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये टीवी से निकाल
टॉक के बाद बाहर आने बता दूंगा ट So to have acceleration, I need a scalar field. This is from our knowledge of field theory. And that scalar field will have energy density like this, which is not a constant, of course. And we don't want a constant energy density. Why? If energy density is constant, then the field will always remain. The universe will always accelerate. Never will the atom become. So we have to die. Right? So this is a dynamic field, right? Omega. Swagat bhai, this is not unique, is it? I mean, we are just guessing it on our part. Very good question. I will come to Swagat's question. Why I put scalar field? Why I didn't put anything else to get acceleration, right? This is not unique. This is only one example. But there is a very important reason why I did it. I will tell you. That's to do with Goldstone's theorem. Any spontaneous symmetry breaking, why should I say all this? Omega equals to P by rho, right? अब मुझे ओमेगा नेगेटिव चाहिए तो ओमेगा नेगेटिव होगा अगर ये इससे छोटा हो राइट सो माई अप्रोक्सीमेशन इज फाइव डॉट स्क्वायर काइनेटिक टर्म इज स्मॉलर देन पोटेंशियल फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इन्फ्लेशन को इनफ टाइम तक होना चाहिए तब जाके सारा जो एक बॉक्स में थे वो सारा दूर चले जाए और अभी हमको दूर में सेम दिख रहा है और चीज जो बहुत कर्व था वो बहुत ही फ्लैट हो जाए वो हमको चाहिए राइट तो हमको इनफ टाइम अलग करना है तो स्लोली होना है तो स्लोली होना है तो स्लो होने के लिए कंडीशन उससे पहले मैं बता रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ सच 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 सिस्टम विल बिहेव लाइक दिस दीज आर द इक्वेशन जहाँ पे ये रो है वो जो मैं लिखा हूँ और वो पी है वो तो ये है हाउ ए विल बी बट देयर इज अनदर वेरिएबल फाइव हाउ फाइव विल बी इसका इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखेंगे थिंक दिस इज लाइक न्यूटन सम काइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फाइव फाइव कैसे बिहेव करेगा टाइम से डायनामिक फाइव विल बिहेव लाइक दिस फाइव डबल डॉट प्लस थ्री एक्स फाइव डॉट प्लस प्लस थ्री डैस इक्वल टू जीरो दिस इज हाउ फाइव विल बिहेव Okay, now do you see a friction term here? So 5 is decreasing, right? We want it. We want 5 to go away. So 5 is decreasing. We are good, right? So I will give you a kind of potential where it can happen. See, this is the energy. This is V5, this is 5. And this is the kind of potential. Swagat bhai, this differential equation that you have written, it may tell us that phi will have a sort of, what do you call it, some sort of oscillation, damped oscillation, right? Mm-hmm. But, depends on V. Yeah, that's what my question was. Agar yahan pe phi square hai, to damped oscillation. Ye to bhi. Actually, humare universe pe phi square hai. Nahin. 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 Humare universe pe ye V hai phi square. So, V dash hai phi. So, it's not even simple harmonic. Simple harmonic kya hai? X square. V is kx square, right? हमारे यूनिवर्स के लिए एक्चुअली kx is not symmetric. Potential symmetric है. अलग बात है. Yeah, that is a potential symmetric हो सकता है. Actually potential symmetric होता है. नहीं but how is this equation telling us that this will die down? It's a friction term. Second order differential equation with a first order term in time, then with time it will damp. Whether oscillate or not, it will damp. Amplitude will come, a it will be some form e to the power minus exactly. Time in it. Okay. So this is how universe is going to behave. What will happen? Universe will start here. Okay. This field will say the value field. Until the value field is here,
the energy of universe is constant, and that constant energy means I said energy is constant and omega is negative, so universe is accelerating, so its inflation is going on, फिर धीरे धीरे डीके करेगा, इन्फ्लेशन बंद होने लगेगा. लेकिन मैंने एक पैरामीटर डिफाइन किया था एस आई का, ओके, इस पोटेंशियल के लिए वो पैरामीटर होगा प्रोपोर्शनल टू वी डैश बाय वी होल स्क्वायर. ये सब क्यों चूज किया हूं मैंने, एक्चुअली मैं ये सब डिटेल में बताना चाहता था, बट व्हाट कैन आई डू. सो जब ये पैरामीटर वन हो जाएगा तब इन्फ्लेशन बंद हो जाएगा, जब तक ये पैरामीटर स्मॉल है तब तक इन्फ्लेशन चल रहा है. Now also universe is accelerating, but it's slowly. That time it was accelerating really very very fast. So कोई भी छोटा volume लो, 10^60 times, e to the power 60 times बड़ा कर देगा एक second. In 1 second, universe becomes, in 10^-34 seconds, universe becomes e to the power 60 times bigger. To be precise. इतना जोर से हुआ, inflation. Okay? ये सब कैलकुलेट करके मैं दिखा सकता हूँ, I don't have time. Then उसके बाद क्या हुआ, इन्फ्लेशन खत्म हो गया. क्यों? क्योंकि तब तक इन्फ्लेशन चलेगा जब तक ये एनर्जी डेंसिटी कॉन्स्टेंट, उसके बाद एनर्जी डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, डिके कर रहा है, राइट. तो वो सारा एनर्जी इसका इस फील्ड में जो एनर्जी था हाई फील्ड में, वो सारा एनर्जी से पार्टिकल क्रिएट होने लगा, ए इक्वल टू एमसी स्क्वायर, राइट. सो एनर्जी कैन कन्वर्टेड टू मास, तो वही हो गया, एनर्जी इज डिक्रीजिंग, मींस इट्स गोइंग टू सम न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो gradually it is becoming mass, so we are getting new and new mass and matter, then dark matter formation hoga, normal matter formation hoga, decay karega, fir dheere dheere galaxy dark matter formation hoga, fir dheere dheere earth form hoga, fir protozoa and then human being, and then I am here to talk about it. Again I am disappointed with myself because I wanted